सरकार को गिराने या बचाए रखने के लिए अगर एक विधायक जरूरी ना हो तो विधानसभा के किसी एक क्षेत्र के उपचुनाव को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। पूर्णिया जिले के रुपौली में 10 जुलाई को हो रहे उपचुनाव के परिणाम से भी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस क्षेत्र के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक भविष्यवाणी भी जुड़ गई है, इसलिए ये उपचुनाव एनडीए और महागठबंधन के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। भविष्यवाणी ये है कि जदयू से अलग होने के बाद बीमा भारती विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकती हैं। बीमा रुपौली से 5 बार विधायक रही हैं। पहली जीत 2000 में हुई और निर्दलीय हुई थी। 2005 में फरवरी वाले चुनाव में लोजपा के शंकर सिंह के सामने पराजित हो गई थी। उसी साल अक्टूबर में हुए चुनाव में वो राजद टिकट पर जीत गई थी। 2010, 15 और 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू टिकट पर जीती। इस साल 12 फरवरी को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर रहे थे, बीमा नई रूप में सामने आई। उनकी पहचान जदयू भाजपा के उन दर्जन भर विधायकों के रूप में की गई जिन पर आरोप था कि राजद ने विश्वास मत के विरुद्ध मतदान के लिए राजी कर लिया था। विश्वास मत हासिल करने के बाद जदयू ने बागी के रूप में पहचान किए गए विधायकों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की, फिर भी बीमा का झुकाव राजद की ओर ही रहा। वो विधानसभा के सदस्य से त्यागपत्र देकर राजद टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ी, पूरे क्षेत्र में तीसरे नंबर पर रहीं और रुपौली विधानसभा क्षेत्र में भी उन्हें यही दर्जा मिला। जदयू ने कलांधर मंडल को उम्मीदवार बनाया है। ये 2020 में निर्दलीय लड़े थे, करीब 6200 वोट और चौथा नंबर मिला था। वो बीमा भारती से सजातीय गंगोता जाति के हैं। उनकी जीत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा की। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय कुमार झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवा, राज्य सरकार के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी सहित कई मंत्रियों ने मंडल के पक्ष में प्रचार किया। जदयू के लिए जीत अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जरूरी है। बीमा और कलांधर दोनों अति पिछड़े गंगोता जाति के हैं। अति पिछड़ों पर जदयू अपना एक अधिकार मानता है। राजद का दावा है कि लोकसभा चुनाव में उसे कई नए सामाजिक समूहों का अतिरिक्त सहयोग मिला। इसमें कुशवा और वैश्य जातियों का सहयोग खास है। इसके अलावा अति पिछड़ी जातियाँ भी उनके पक्ष में गोलबंद हुई हैं। राजद अगर जीतता है तो उसका ये दावा मजबूत होगा कि माया समीकरण से अधिक बड़ा सामाजिक आधार उसे मिलने जा रहा है। रुपौली की जीत से वो अगले विधानसभा चुनाव में अपनी संभावना को और करीब से देख सकता है।